दोस्तों लालू यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी की एक प्रवक्ता है कंचन यादव उर्फ कंचना यादव। 10-15 दिन पहले तक ये बंदी पूरी तरह से अनजान थी। बिहार से बाहर छोड़ो, बिहार में भी 2-4% लोग ही इसे जानते थे। फिर मनीष कश्यप ने बीजेपी में एंट्री ली, डिबेट्स में आना शुरू किया, लक कहो या फिर कुछ भी, लेकिन इसकी डिबेट मनीष कश्यप के साथ में हो गई। मनीष कश्यप ने इसको ऐसा झाड़ा, ऐसा लताड़ा कि डिबेट वायरल भी हो गई और ये बंदी घर घर के लिए जाना पहचाना नाम हो गई और इसे रेगुलर डिबेट्स मिलना स्टार्ट हो गई। आरजेडी ने एक बार फिर से इस बंदी को डिबेट में भेज दिया और इस बार सामने थे सुधांशु त्रिवेदी। अपनी पहली डिबेट में भी कंचना यादव ने जिस तरह के फैक्ट्स रखे थे, जिस तरह की बातें रखी थी, जिस तरह की बचकानी बातें रखी थी, उसी तरह की बचकानी बातें ये बंदी आज के डिबेट में भी कर रही थी और सामने थे सुधांशु त्रिवेदी। फिर क्या, सुधांशु त्रिवेदी ने इसको तो लपेटा ही लपेटा, इसके बैलबुद्धि मालिक यानी कि चारा चोर के बेटे और चारा चोर को भी लपेट डाला और खरी खोटी सुनाते हुए एक्सपोज कर डाला। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। कंचन यादव जी, कंचन यादव जी, नरेंद्र मोदी पर हर वक्त आरोप लगाया जाता है कि वो बदल देंगे देश का संविधान। संविधान कौन बदल रहा है? लालू जी नहीं बदल रहे। धर्म के बेसिस पर जब आरक्षण की बात करते हैं और आरोप सुधांशु जी का है कि सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले वाक्य होता है धर्म पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और शाम को पोलिंग के बाद अलग क्लैरिफिकेशन आता है, तो भाई ये कौन सा रूप दिखलाता है आपका? नाविका जी, अगर मैं सच्चाई और तथ्य रख दूंगी तो भारतीय जनता पार्टी को दो पार्टियों से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। और आपको बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश की आप बात कर रही हैं, उसी आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ इनका गठबंधन है। मैनिफेस्टो आया है टीडीपी और जनसेना का कि वो मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी है, प्रॉब्लम नहीं है इनको, क्योंकि वहां सरकार बनानी है इनको। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी बोला है कि हर महीने मस्जिदों को 5,000 रुपए देंगे मेंटेनेंस के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बोला है कि जो नूर भाषा है कॉरपोरेशन है उसको वो सहयोग करेंगे, हर साल 100 करोड़ रुपए देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला हज यात्री को हर साल 1,00,000 रुपए मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला पर्टिकुलरली मुस्लिम को 1,00,000 रुपए मिलेगा, जो 50 साल के ऊपर के है क्या पेंशन उनको मिलेगा। तो एक बात बताइए कि कौन कैसी राजनीति कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जेडीएस से समस्या नहीं है, जो कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण दिए भारतीय जनता पार्टी को। अब टीडीपी से भी समस्या नहीं है जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है, लेकिन जहां उनको जरूरत होगी कि मुसलमान को बीच में लाए और ध्रुवीकरण करें, वहां पर वो मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ हो जाएंगे। अरे ऐसे तो इनका चरित्र है भाई, क्यों दोगलापन करते हो? अगर आप मुसलमानों के खिलाफ हो तो ऐसी पार्टियों से आप गठबंधन तोड़ो जो मुस्लिमों का आरक्षण देती है। और आपको साफ साफ बता दे, सवाल और मुद्दा तो सही उठाया है कंचन यादव जी, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। एक और बात है, मंडल कमीशन में यह कहा गया, मैं ओबीसी हूँ और हिंदू भी हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए नहीं मिलता कि मैं हिंदू हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि मैं सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड हूँ। ऐसे ही हर कम्युनिटी में सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण देने का काम ये मंडल कमीशन ने कहा है। वहाँ धर्म की बात नहीं है सर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से थोड़ी सी हिस्ट्री का ज्ञान रखिए। तो फिर आज सुबह लालू जी ने क्यों कहा धर्म के बेसिस पर मिलना चाहिए? सवाल यह था और सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, आपने तमाम आरोप लगा दिए सुधांशु त्रिवेदी पर। तो आइए सुधांशु जी से जवाब लेते हैं। हाँ, मैं कंचना जी को बता देना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में यह भी लिखा था कि 27% में 6% अलग से मुसलमानों को दे दिया जाए, जो नहीं दिया गया। कहा गया मुस्लिम के नाम पे नहीं दिया जाएगा, जो वो बैकवर्ड में आएंगे सिर्फ उनको दिया जाएगा। और रही बात इनकी, जो आपने कहा कि टीडीपी के साथ है, तो मैं और बता देना चाहता हूं। अरे आप कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, हमने ऐसे दलों के साथ सरकार बनाई है जिनसे हमारे भरपूर मतभेद थे। मायावती जी के साथ 3 बार सरकार बनाई, जेडीयू से भी हमारे कई मतभेद थे, हमने डीएमके को भी सपोर्ट किया, हमने टीडीपी के साथ सरकार बनाई। हमारा मुद्दा कभी नहीं चेंज हुआ, मगर आज आप लोगों के दिल में, लालू यादव जी के दिल में, जानते क्या समस्या है? आपका
नामिका जी, समस्या ये है कि कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा निशाना इन क्षेत्रीय दलों के ऊपर है जो जाति और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अब आज क्या है कि कांग्रेस ने जब ये स्टैंड ले लिया कि हम कर्नाटक में मुस्लिम पूरे को आरक्षण देंगे तो हड़बड़ी हो गई डीएमके में, सपा में, राजद में कि हमारा वोट न खा जाए। आज कांग्रेस तो वो चाल चली है कि एक्सट्रीम लेफ्ट का एजेंडा भी हम ही ले लिए। जो लोग कास्ट सेंसस की बात कहते थे वो एजेंडा भी मेरा, घनघोर मुस्लिम एजेंडा भी मेरा। यानी जानते क्या स्थिति हो गई, मुस्लिम वोटों के लिए इन पार्टियों की हालत यह हो गई है वो जवाबी कव्वाली है। जैसे जाड़े में हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली है, आपकी सेहत यही ठीक करेगा, तो सपा, राजद, डीएमके और कांग्रेस सब कह रहे हैं मुसलमानों से तेरा मेरा ही सबसे अच्छा है। इसमें से किसी को मुसलमानों की ईमान से भी मतलब नहीं, सबको अपनी अपनी दुकान के सामान से मतलब है और सबको पता है कि उनकी दुकान का सबसे बिकाऊ सामान सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमान है। केवल इसके लिए सारा झमेला है और ये डर है लालू यादव जी के मन में, ये डर है अखिलेश यादव जी के मन में, जो प्रोफेसर रामगोपाल आचार्य के राम मंदिर बेकार है कि उन्हें लग रहा है कि जो मैंने कांग्रेस से छीना आपने, था आपने, कहीं कांग्रेस वापस तक छीन ले जाए। और शायद इसी वजह से लालू यादव और उसके बैलबुद्दी बेटे ने मुसलमानों को रिझाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए हर हद पार कर रखी है। शायद इसी वजह से वो लोग आए दिन बस मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं। शायद इसी वजह से ये लोग हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने में भी नहीं हिचकते, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने में भी नहीं हिचकते, बस मुसलमानों को कैसे भी खुश रखो कहीं ये दोबारा से नाराज होकर छिटक कर वापस कांग्रेस के पास नहीं चले जाएं। और अगर ऐसा होता है तो लालू यादव और उनकी पार्टी कंगाल हो जाएगी। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।